हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन एसडी पॉइंट। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए लूसेंट जीके का 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि इस तरह की वीडियोस आपको यूट्यूब पे बहुत सारी मिल जाएंगे दोस्तों, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए पूरे लूसेंट जीके का 1000 प्रश्नों का मैं पूरा निचोड़ लेकर आया हूँ। ठीक है, पिछले 10 वर्षों की परीक्षाओं में ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं और आगामी जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होंगे सभी के लिए अत्यंत बेनिफिशियल, अत्यंत हेल्पफुल होने वाली है ये। और दोस्तों, यदि आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, खुद पढ़ते हैं, तो आपको उतना आसानी से याद नहीं होता, लेकिन यदि आप किसी भी वीडियो के माध्यम से याद करते हैं तो आपको चीज़ें जल्दी से आसानी से याद हो जाती हैं। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं 500 क्वेश्चंस कवर करने वाला हूँ। ठीक है, इसमें फर्स्ट पार्ट रहेगा, इसका सेकेंड पार्ट में यदि आप लोग लाइक करेंगे इस वीडियो को, आपका प्यार रहेगा, सपोर्ट रहेगा, तो मैं आपके लिए सेकेंड पार्ट कल अपलोड कर दूंगा। और सेकेंड पार्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कल मैं दे दूंगा, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट भी मिल जाए। ठीक है, और चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो आपको बीच में लगे तो पॉज करके आप इसको बाद में भी देख सकते हैं हमारे चैनल पर आकर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है वीडियो, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके हौसला बढ़ाइएगा। काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियोस तैयार करने में। चलिए, पहला क्वेश्चन दोस्तों, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका आंसर है बोधगया में। ठीक है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? उत्तर है स्वामी दयानंद ने। तीसरा क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? उत्तर है गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? उत्तर है कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलता है? ये निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन छठा है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? उत्तर है असम का। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? उत्तर है विटामिन सी। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आंसर है विलियम बेंटिक, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन 10th है दोस्तों, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? उत्तर है चीन में। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? उत्तर है सिद्धार्थ। दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट सर्च करके अपने फेसबुक से लाइक कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी फेसबुक पेज का लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पे लाइक कर लें। वहाँ पे बहुत सारे नोट्स और इसका भी पूरा नोट्स आपको हमारे फेसबुक पेज पर मिल जाएगा। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? उत्तर है राष्ट्रपति। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? उत्तर है विटामिन ए। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? उत्तर है तमिलनाडु। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोकनृत्य है? उत्तर है पंजाब का। क्वेश्चन 16 है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? उत्तर है जॉन लोगी बेयर्ड ने। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? उत्तर है रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? उत्तर है गलफड़ों से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? उत्तर है भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ? उत्तर है 1919 ईस्वी में, अमृतसर में। अगला क्वेश्चन है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? उत्तर है फॉरवर्ड ब्लॉक की। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? उत्तर है लाला लाजपत राय को। अगला प्रश्न है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? उत्तर है भगत सिंह। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? उत्तर है मंगल पांडे। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? उत्तर है सरोजनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर दो बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? उत्तर है संतोष यादव। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? उत्तर है राजा राम मोहन राय। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? उत्तर है मूल शंकर। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? उत्तर है दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? उत्तर है स्वामी विवेकानंद जी। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया? उत्तर है 1498 ईस्वी में।
अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? उत्तर है पुर्तगाल का। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? उत्तर है जयपुर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को। अगला प्रश्न है, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा था है? उत्तर है बैसाखी। सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? उत्तर है सरदार पटेल को। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? उत्तर है सुभाष चंद्र बोस को। अगला प्रश्न दोस्तों, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? इसका उत्तर है विजय घाट। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता कौन है? उत्तर है महर्षि वेद व्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य, कौटिल्य ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, विश्व रेडक्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? उत्तर है 8 मई को। अगला प्रश्न है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन से देश प्रसिद्ध है? जापान। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर है 8 मार्च को। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? उत्तर है गोवा। अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? उत्तर है केरल का। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? उत्तर है 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? उत्तर है शुक्र। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? उत्तर है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? उत्तर है मोर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? उत्तर है गंगा डॉल्फिन। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? उत्तर है आम। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? उत्तर है कमल। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? उत्तर है बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? उत्तर है हॉकी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? 3:2:3। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? उत्तर है रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? उत्तर है वंदे मातरम। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? उत्तर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? उत्तर है शक संबत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? उत्तर है 52 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 65 है, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? उत्तर है हेनरी बेकरल ने। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? उत्तर है हृदय। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? उत्तर है पीयूष ग्रंथि को। अगला प्रश्न है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? उत्तर है हीरा। अगला प्रश्न है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? उत्तर है रॉन्टजन ने। क्वेश्चन 70 है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? उत्तर है तांबा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? उत्तर है काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? उत्तर है गैलीलियो ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? उत्तर है राजघाट। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? उत्तर है बंबई से थाने तक, वर्तमान मुंबई। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? उत्तर है कोलकाता। अगला प्रश्न है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? उत्तर है 1853 में। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में। क्वेश्चन 78 है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उत्तर है श्रीमती सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर है पंडित भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, पंडित भगवत दयाल शर्मा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना यूएनओ की स्थापना कब हुई थी?
24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? उत्तर है त्रिगवेली। अगला प्रश्न है, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? 193। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य देश होते हैं? 15। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? उत्तर है 5। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? उत्तर है द हेग, नीदरलैंड में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग नीदरलैंड में। यहाँ पे हॉलैंड मिस्टेक है दोस्तों, याद रखिएगा, नीदरलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल से हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 14 सितंबर को। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? उत्तर है आर्टिकल 343 के तहत। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? उत्तर है अभिनव बिंद्रा। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? उत्तर है 4 वर्ष। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? रियो डी जेनेरियो में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर है गुड़गांव में। अगला क्वेश्चन है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? उत्तर है राव वीरेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 44,212। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? उत्तर है चीन। क्वेश्चन नंबर 104, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? उत्तर है तूफान का। क्वेश्चन नंबर 105 है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? उत्तर है थार। क्वेश्चन नंबर 106 है दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? उत्तर है असम में। क्वेश्चन नंबर 107, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उत्तर है शिप्रा। क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? उत्तर है चांदी। क्वेश्चन नंबर 110 है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? उत्तर है मीथेन। क्वेश्चन नंबर 111, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? उत्तर है लोकमान्य तिलक। क्वेश्चन नंबर 112, राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? उत्तर है 6 वर्षों के लिए। क्वेश्चन नंबर 113, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? उत्तर है देवनागरी। क्वेश्चन 114 है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? उत्तर है दुग्ध मेखला या मिल्की वे। क्वेश्चन नंबर 115, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उत्तर है उदंत मार्तंड। क्वेश्चन नंबर 116, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? अवधि में। क्वेश्चन नंबर 117 है दोस्तों, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भान सिंह हंस। क्वेश्चन नंबर 118, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? उत्तर है एथेंस यूनान में 1896 से। क्वेश्चन नंबर 119 है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक में खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? उत्तर है हॉकी। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? हॉकी में। क्वेश्चन नंबर 120 है, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? जीता था 1980 में मास्को में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121 है दोस्तों, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? उत्तर है 4 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 122 है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर है लुसाने स्विट्जरलैंड में।
क्वेश्चन नंबर 123 है, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? लंदन में। अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? उत्तर है 5। क्वेश्चन नंबर 125 है, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स। क्वेश्चन नंबर 126, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? टोक्यो जापान में। क्वेश्चन नंबर 127, सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? उत्तर है बैडमिंटन। क्वेश्चन नंबर 128, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? उत्तर है सन 1900 में। क्वेश्चन नंबर 129, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? उत्तर है करणम मल्लेश्वरी। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? करणम मल्लेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 130 है, बैक टू द वेदास यानी वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद ने। क्वेश्चन 131 है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? उत्तर है श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। क्वेश्चन नंबर 132 है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? उत्तर है कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 133 है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? उत्तर है गुर्दे से। क्वेश्चन नंबर 134 है दोस्तों, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? उत्तर है प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। क्वेश्चन नंबर 135 है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खां किस वाद्य यंत्र में वादन में विख्यात रहे? उत्तर है शहनाई। क्वेश्चन 136 है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? उत्तर है श्री राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 137 दोस्तों, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? उत्तर है रूस। क्वेश्चन नंबर 138, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? उत्तर है हिमाद्री। क्वेश्चन नंबर 139, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? उत्तर है जापान की जुंको तवई। क्वेश्चन 140, पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर। क्वेश्चन नंबर 141, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? उत्तर है पास्कल का नियम। क्वेश्चन 142, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? उत्तर है मैग्नीशियम। क्वेश्चन 143, एलपीजी गैस में क्या होता है? उत्तर है ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 144, किसने सर्वप्रथम अशोक के शिला अभिलेखों को पढ़ा था? उत्तर है जेम्स प्रिंसेप। क्वेश्चन 145, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उत्तर है उपगुप्त। क्वेश्चन नंबर 146, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? उत्तर है अकबर। क्वेश्चन नंबर 147, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? उत्तर है गुरु रामदास ने। क्वेश्चन नंबर 148, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? उत्तर है लाला हरदयाल। क्वेश्चन नंबर 149, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद देव ने। क्वेश्चन नंबर 150, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? उत्तर है ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 151, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 152, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? उत्तर है 1951 में, 1951 में। क्वेश्चन नंबर 153, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? उत्तर है नालंदा। क्वेश्चन नंबर 154, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? उत्तर है ओ। क्वेश्चन नंबर 155, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? उत्तर है 206। क्वेश्चन नंबर 156, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? उत्तर है विटामिन डी। क्वेश्चन 157, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? उत्तर है मलेरिया। क्वेश्चन 158, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? उत्तर है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। प्रकाश की तीव्र गति कितनी होती है? 3000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 160 दोस्तों, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? उत्तर है कोपर निकस ने। क्वेश्चन नंबर 161, प्रकाश वर्ग का संबंध किससे है? उत्तर है खगोली दूरी से। क्वेश्चन नंबर 162, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर है अमृतसर में। क्वेश्चन नंबर 163, चार मीनार कहाँ स्थित है? उत्तर है हैदराबाद में।
क्वेश्चन नंबर 164, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? उत्तर है दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 165, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? उत्तर है मुंबई में। अगला प्रश्न है, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? उत्तर है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल कहाँ स्थित है? उत्तर है आगरा में। क्वेश्चन नंबर 168 है दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? उत्तर है सिंगापुर में। क्वेश्चन नंबर 169, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 5 सितंबर को। अगला प्रश्न है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 29 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, किसके जन्मदिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? उत्तर है मेजर ध्यानचंद, 29 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 172, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 5 जून को। करो या मरो का नारा किसने दिया? उत्तर है महात्मा गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 174, जय हिंद का नारा किसने दिया? उत्तर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 175, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? उत्तर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? उत्तर है दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन नंबर 177, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? उत्तर है भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 178 है दोस्तों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? उत्तर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 179, आराम हराम है का नारा किसने दिया? उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन 180, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री जी। क्वेश्चन नंबर 181, मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? उत्तर है मंगल पांडे ने। क्वेश्चन 182, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया? ये दिया था रामप्रसाद बिस्मिल जी ने। क्वेश्चन नंबर 183, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? उत्तर है समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 184, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? उत्तर है राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? उत्तर है स्वामी विवेकानंद ने। महात्मा गांधी का जन्मदिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर है 2 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 187, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? उत्तर है मोहनदास करमचंद्र गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 189, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर है महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? उत्तर है भारत रत्न। किस फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? उत्तर हो जाएगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 192, भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान वीरता पदक का नाम बताएं? उत्तर है परमवीर चक्र। क्वेश्चन नंबर 193 है दोस्तों, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? उत्तर है कालिदास को। क्वेश्चन नंबर 194, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज को। क्वेश्चन नंबर 195, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? उत्तर है यूरी गागरिन, जो कि रूस से थे। क्वेश्चन नंबर 196, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? उत्तर है नील आर्मस्ट्रांग। क्वेश्चन नंबर 197, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? उत्तर है राकेश शर्मा। क्वेश्चन नंबर 198, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? उत्तर है आर्यभट्ट, इसे छोड़ा गया था सन 1975 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? उत्तर है एंटोनियो गुटेरस। क्वेश्चन नंबर 200 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर है 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 201 है दोस्तों, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? उत्तर है आयोडीन से। क्वेश्चन नंबर 202 है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? उत्तर है अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 203 है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? उत्तर है दोस्तों फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 204, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? उत्तर है हीरा कुंड बांध।
क्वेश्चन नंबर 205, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? उत्तर है 22। क्वेश्चन नंबर 206, चीन की मुद्रा कौन सी है? उत्तर है युआन। क्वेश्चन नंबर 207, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? उत्तर है हेनरी ड्यूनॉट। क्वेश्चन नंबर 208 है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? उत्तर है एनेमिया। क्वेश्चन नंबर 209 है, भारत का कोकिला कौन कहलाती हैं? उत्तर है सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 210, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? उत्तर है मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन नंबर 212 है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? उत्तर है चाणक्य, कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर 213, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? स्थित है कन्याकुमारी में। क्वेश्चन नंबर 214, दक्षेश का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू, नेपाल में। दक्षेश के कितने सदस्य देश हैं? 8 हैं, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 216, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? उत्तर है 7516 है। विश्व में अभ्रक माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? उत्तर है भारत में। क्वेश्चन नंबर 218, जीटी रोड किसने बनवाया? उत्तर है शेर शाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 219, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? उत्तर है बेरी बेरी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? उत्तर है स्कर्वी। क्वेश्चन 221 है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? उत्तर है विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? उत्तर है दोस्तों रिकेट्स। क्वेश्चन नंबर 223, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? उत्तर है विटामिन के। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? उत्तर है बांझपन। क्वेश्चन नंबर 225 है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 226, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? उत्तर है ए, डी और ई के, ए, डी, ई और के, ठीक है। क्वेश्चन 227, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? उत्तर है NaCl। क्वेश्चन नंबर 228, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। क्वेश्चन नंबर 229, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन 230, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? उत्तर है तांबा और जस्ता का। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? उत्तर है विटामिन डी। क्वेश्चन 232, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? उत्तर है कॉर्निया। क्वेश्चन नंबर 233, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? उत्तर है विटामिन B12 में। क्वेश्चन नंबर 234, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया को। क्वेश्चन 235, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? उत्तर है अस्थि मज्जा, बोन मैरो। क्वेश्चन 236, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 28 फरवरी को। क्वेश्चन 237, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है स्फिग्मोमैनोमीटर। क्वेश्चन 238, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? उत्तर है रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन 239, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? उत्तर है 1907 के सूरत अधिवेशन में। क्वेश्चन 240, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? उत्तर है राजराजा प्रथम चोल ने। क्वेश्चन 241, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर है अमरकोट के दुर्ग में। क्वेश्चन 242, वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया? ब्राजील में। क्वेश्चन 243, वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया? रूस में। क्वेश्चन 244 है, वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुए? ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुए थे। क्वेश्चन नंबर 245, वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 246, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन 247, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे?
उत्तर है गणेश वासुदेव मावलंकर, भारत के पहले लोकसभा के अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। क्वेश्चन 248, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? उत्तर है आर्टिकल 370। क्वेश्चन नंबर 249, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 250, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तर है एशिया। दोस्तों, इस वीडियो की PDF फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। यदि आपके पास टेलीग्राम नहीं तो आप प्ले स्टोर पर टेलीग्राम सर्च करके इंस्टॉल कर लीजिए, उसमें फिर आप हमारे चैनल पर आइए, उस लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसकी पूरी PDF फाइल आपको मिल जाएगी। उसके अलावा भी बहुत सारी PDF फाइल मैं आपको देता हूँ वहाँ पर। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? उत्तर है मूसी। क्वेश्चन नंबर 252, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? उत्तर है मैक्सिको। क्वेश्चन नंबर 253, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? उत्तर है वेटिकन सिटी। क्वेश्चन नंबर 254, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर। क्वेश्चन नंबर 255, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 256, भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? उत्तर है सिलवासा। क्वेश्चन नंबर 257, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 258, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 22 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 259, फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तर है उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 260, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? उत्तर है जूबा। क्वेश्चन नंबर 261, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर है प्रधानमंत्री। वर्तमान में योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया है, जिसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। आईने अकबरी का लेखक कौन था? उत्तर है अबुल फजल। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? उत्तर है टेनिस। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? उत्तर है 24। क्वेश्चन नंबर 266, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? उत्तर है राजा हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 267, दोस्तों सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? उत्तर है स्टेपीज। क्वेश्चन नंबर 268, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जो कि जांघ की हड्डी है। क्वेश्चन नंबर 269, मानव शरीर में कितनी पेशियाँ हैं? 639, 639। क्वेश्चन नंबर 270 है, लाल रक्त कणिका यानी RBC का जीवन काल कितना होता है? उत्तर 120 दिन का। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्तर है जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण यानी गैल्वेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 272, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत। क्वेश्चन नंबर 273 है, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? उत्तर है डिगबोई, असम में। क्वेश्चन नंबर 274, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? उत्तर है विज्ञान के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 275, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? उत्तर है कुली कुतुब शाह ने। क्वेश्चन नंबर 277, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? उत्तर है सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 278, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? उत्तर है दूध से। श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन। क्वेश्चन नंबर 280, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? चीनी आक्रमण के समय की गई थी, 26 अक्टूबर 1962 को। क्वेश्चन नंबर 281, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तर है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 282, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, 712 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 283, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? मेगस्थनीज। क्वेश्चन नंबर 284, दोस्तों श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन। क्वेश्चन नंबर 285, विटामिन्स की खोज किसने की थी? उत्तर है फंग ने। क्वेश्चन नंबर 286, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? आयरन, क्रोमियम और निकिल की। क्वेश्चन नंबर 287, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कापर तथा टीन की। क्वेश्चन नंबर 288 है दोस्तों,
स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित कब किया? 1893 में। क्वेश्चन नंबर 289, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। क्वेश्चन नंबर 291, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? उत्तर है सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 292, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? उत्तर है लाला लाजपत राय की। क्वेश्चन नंबर 293, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? उत्तर है सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 294, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? उत्तर है ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 295, दोस्तों मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 296, अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? उत्तर है ग्रेगरी मेंडल ने। क्वेश्चन नंबर 297, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? उत्तर है तांबा का। क्वेश्चन नंबर 298, बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? उत्तर है पृष्ठीय तनाव। क्वेश्चन नंबर 299, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? उत्तर है शहतूत। क्वेश्चन नंबर 300, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर है तांबे की खान के लिए। क्वेश्चन नंबर 301, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? उत्तर है शुक्र। क्वेश्चन नंबर 302, मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? उत्तर है रेटिना में। क्वेश्चन नंबर 303, सूर्य से पृथ्वी का ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? उत्तर है विकिरण। क्वेश्चन नंबर 304, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? उत्तर है वाटसन और क्रिक ने। क्वेश्चन नंबर 305 है दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? उत्तर है डेसीबल में। क्वेश्चन नंबर 306, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? उत्तर है एपी कल्चर। क्वेश्चन नंबर 307, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? उत्तर है होम पेज। क्वेश्चन नंबर 308, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 309, सामान्य परिस्थितियों में हवा की ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 310, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? उत्तर है शुक्र। क्वेश्चन नंबर 311, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? उत्तर है हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 312, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? उत्तर है शुक्र। क्वेश्चन नंबर 313, सौरमंडल की आयु कितनी है? उत्तर है 4.6 अरब वर्ष। क्वेश्चन नंबर 314 दोस्तों, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? उत्तर है हेली पुच्छल तारा। क्वेश्चन नंबर 315, पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? उत्तर है 500 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 317, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? उत्तर है 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 318 दोस्तों, कंप्यूटर के किस भाग में को हम स्पर्श कर सकते हैं, वह क्या कहलाता है? वह हार्डवेयर। क्वेश्चन नंबर 319 है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? उत्तर है रेडॉन। क्वेश्चन नंबर 320 दोस्तों, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? उत्तर है थोरियम। क्वेश्चन नंबर 321, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? उत्तर है थायराइड। क्वेश्चन नंबर 322, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? उत्तर है व्हेल मछली। क्वेश्चन नंबर 323, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंड स्टेनर। क्वेश्चन नंबर 324 है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? उत्तर है बॉक्साइट। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? उत्तर स्पुतनिक 1। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? उत्तर है डायनेमो। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? उत्तर है भूकंप की तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 329, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? उत्तर है एल्यूमिनियम। किस ग्रह को शांत तारा कहते हैं? उत्तर है शुक्र ग्रह को।
वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 332 है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? उत्तर है 4 मिनट। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? उत्तर है जिप्सम से। क्वेश्चन नंबर 334, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? उत्तर है गलफड़ों से। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? उत्तर है प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 336, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? अब केंद्रीय बल। क्वेश्चन नंबर 337, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर है मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 338, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? उत्तर है खान अब्दुल गफ्फार खान को। क्वेश्चन नंबर 339, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? उत्तर है ग्रीनलैंड। क्वेश्चन नंबर 340, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? उत्तर है कपास। क्वेश्चन नंबर 342, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? उत्तर है नादिर शाह। क्वेश्चन नंबर 343, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। क्वेश्चन नंबर 344, धरती के तल का लगभग कितना प्रतिशत पानी है? 71%। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? उत्तर है बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 346, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? उत्तर है बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 347, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? उत्तर है कोसी को। क्वेश्चन नंबर 348, गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? इथाइल मार्केप्टन। क्वेश्चन नंबर 349, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? उत्तर है नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 350, दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? ओडिशा में। क्वेश्चन नंबर 351, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? उत्तर है पाकिस्तान। कंप्यूटर भाषा में WWW का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलोबाइट यानी 1 KB में कितनी बाइट होती है? 1024 बाइट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? उत्तर है जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 355, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त। क्वेश्चन नंबर 356, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? उत्तर है 1940 में। क्वेश्चन नंबर 357, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? उत्तर है एनी बेसेंट ने। क्वेश्चन नंबर 358, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? उत्तर है अमर्त्य सेन। क्वेश्चन नंबर 359, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? उत्तर है ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से। क्वेश्चन नंबर 360, दोस्तों लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? उत्तर है इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। क्वेश्चन नंबर 361 है, लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? उत्तर है दोस्तों हैदराबाद के निजाम ने। क्वेश्चन नंबर 362 है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? उत्तर है गोंड। क्वेश्चन नंबर 363, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? उत्तर है एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 364, शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? उत्तर है भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 365, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? उत्तर है माउंट बेटन योजना के फलस्वरूप। क्वेश्चन नंबर 366, जनरल डायर जलियावाला बाग हत्याकांड से जुड़े हत्या किसने की थी? उत्तर है ऊधम सिंह ने। ठीक है, जनरल डायर की हत्या किसने की थी? ऊधम सिंह ने, जो कि जलियावाला हत्याकांड से जुड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 367, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 368, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हो जाएंगे। ठीक है, अभी तक 24 थे लेकिन एक हाई कोर्ट और बन रहा है, 25 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 370, संविधान सभा का स्थायी अस्थायी अध्यक्ष इसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष।
क्वेश्चन नंबर 371, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? आंध्र प्रदेश। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? केरल। क्वेश्चन नंबर 373, भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? उत्तर है तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 374, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर है केरल का। क्वेश्चन नंबर 375, दोस्तों केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर है जम्मू कश्मीर में। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? उत्तर है दामोदर नदी पर। क्वेश्चन नंबर 377, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है ब्योमेश चंद्र बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 378, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले को। क्वेश्चन नंबर 379, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस संघ की है? उत्तर है सुरक्षा परिषद की। क्वेश्चन नंबर 380, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहला भारतीय नागरिक कौन था? उत्तर है रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में साहित्य के लिए गीतांजलि में मिला था, ठीक है, उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए। 381, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई? 1995 में। क्वेश्चन नंबर 382, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? उत्तर है आमार सोनार बंगला है, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 383, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। क्वेश्चन नंबर 384, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 386, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? हनी मैन। क्वेश्चन नंबर 387, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? उत्तर है एथिलीन। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? उत्तर है चैत्र। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बांसुरी। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? उत्तर है 25 वर्ष। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर है अशोक। क्वेश्चन नंबर 392, यक्षगान किस राज्य का लोकनृत्य है? उत्तर है कर्नाटक का। क्वेश्चन नंबर 393, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? उत्तर है भारत और चीन के बीच। क्वेश्चन नंबर 394, प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? उत्तर है तना। क्वेश्चन नंबर 395, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? उत्तर है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। क्वेश्चन नंबर 396, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? उत्तर है बिहार। क्वेश्चन नंबर 397, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? उत्तर है नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 398, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? उत्तर है गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 399, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? उत्तर है नीलम संजीव रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 400, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? उत्तर है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां। क्वेश्चन नंबर 401 है दोस्तों, 401, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? उत्तर है लोथल। क्वेश्चन नंबर 402, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? उत्तर है अमीर खुसरो को। क्वेश्चन नंबर 403, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर या तिब्बत का पठार। क्वेश्चन नंबर 404, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर है प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 405, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 406, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? उत्तर है मिहिर सेन। क्वेश्चन नंबर 407, एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है? उत्तर है 746 वाट। क्वेश्चन नंबर 408, पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? उत्तर है पृष्ठीय तनाव। क्वेश्चन नंबर 409, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? उत्तर है नायलॉन। क्वेश्चन नंबर 410, स्पष्ट प्रतिध्वन सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की कितनी की दूरी होनी चाहिए? 17 मीटर।
क्वेश्चन नंबर 411, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? उत्तर है निर्वात में। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? उत्तर है बैंगनी। क्वेश्चन नंबर 413 दोस्तों, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तर है अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 414, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों हैं? टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? उत्तर है प्रकाश के अपवर्तन कारण। ठीक है, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 415, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल, हरा और नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? उत्तर है हीलियम। क्वेश्चन नंबर 417, टांका धातु या शोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? उत्तर है टिन व शीशा का। क्वेश्चन नंबर 418, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? ये संबंधित है आँख से। ठीक है, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? आँख से। क्वेश्चन नंबर 419, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। क्वेश्चन नंबर 420, ऑरिजिन ऑफ स्पीच बाय नेचुरल सेलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 421, शनिवार किस धातु का अयस्क है? उत्तर है पारा या मरकरी। क्वेश्चन नंबर 422, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर। क्वेश्चन नंबर 423, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन नंबर 424, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3। क्वेश्चन नंबर 425, मछलियों के कृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 426, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 427, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? उत्तर है डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 429, कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? उत्तर है सिलिकॉन की। क्वेश्चन नंबर 430, पारसेक किसकी इकाई है? उत्तर है खगोलीय दूरी की। क्वेश्चन नंबर 431, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? उत्तर 4 डिग्री सेल्सियस पर। परासरब तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? उत्तर 20,000 हर्ट्ज से अधिक। क्वेश्चन नंबर 433, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? उत्तर है होमो सैपियंस। क्वेश्चन नंबर 434, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? उत्तर है दादा भाई नौरोजी। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? उत्तर है पश्चिम बंगाल। भारत में ब्रह्मा जी एकमात्र मंदिर कहाँ है? उत्तर है पुष्कर, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? उत्तर रेबीज या हाइड्रोफोबिया। ठीक है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया। क्वेश्चन नंबर 438, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 439, दो बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? मैडम मैरी क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 440, सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। क्वेश्चन नंबर 442, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? उत्तर है सरोजनी नायडू। सन 1983 के विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव। क्वेश्चन नंबर 444, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? उत्तर है 12। क्वेश्चन नंबर 445, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? 1901 में। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? उत्तर है टका। क्वेश्चन नंबर 447, रामायण किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि ने। क्वेश्चन नंबर 448, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर है उत्तर प्रदेश में। पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? उत्तर है दांत और मसूड़े। क्वेश्चन नंबर 450 है दोस्तों, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 455, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 452, जापान की मुद्रा कौन सी है? उत्तर है एन। क्वेश्चन नंबर 453, इंडियन मिलिट्री अकेदमी कहाँ स्थित है? उत्तर है देहरादून में।
माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? उत्तर है टेनिस। क्वेश्चन नंबर 456, माउंट एवरेस्ट पर दो बार चढ़ने वाली भारतीय पहली भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव। क्वेश्चन नंबर 457, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? 65 वर्ष की आयु तक। क्वेश्चन नंबर 458, संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 459, पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। क्वेश्चन नंबर 460, सन 1954 में भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है पंचशील समझौता। क्वेश्चन नंबर 461, सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? उत्तर है स्पेन ने। क्वेश्चन नंबर 462, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? उत्तर है पूना के पास खड़गवासला में। क्वेश्चन नंबर 463, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? उत्तर है जवाहरलाल नेहरू जी। क्वेश्चन नंबर 464, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? उत्तर है 72 बार। क्वेश्चन नंबर 465, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? 1872 में। क्वेश्चन नंबर 466, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? उत्तर है टेनिस में। क्वेश्चन नंबर 467, भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? जनरल KM करियप्पा। क्वेश्चन नंबर 468, लाई हरोवा किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर है मणिपुर का। क्वेश्चन नंबर 469 है, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? उत्तर है केरल में। क्वेश्चन नंबर 470, कोलकाता किस नदी के किनारे है? उत्तर है हुगली नदी। क्वेश्चन नंबर 471, पौधों में जीवन होता है यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? उत्तर है जगदीश चंद्र बसु ने। क्वेश्चन नंबर 472, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? उत्तर है अहमदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 473, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? उत्तर है 23 जोड़े या 46। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 474, चंद्र ग्रहण कब लगता है? उत्तर है पूर्णिमा में। क्वेश्चन नंबर 475, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 में। क्वेश्चन नंबर 476, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तताप कितना होता है? 80 से 120। क्वेश्चन नंबर 477, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 478, रामचरित मानस किसने लिखी? उत्तर है तुलसीदास ने। क्वेश्चन नंबर 479, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? 1951 में नई दिल्ली में। ठीक है, मई 1951 में नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 480, वायुमंडली दाब किस यंत्र से मापा जाता है? उत्तर है बैरोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 481, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत में। क्वेश्चन नंबर 482, टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? अनिल कुंबले। क्वेश्चन नंबर 483, सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ? रूस में। क्वेश्चन नंबर 484, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? उत्तर है चीन। क्वेश्चन नंबर 485, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? उत्तर है 2। क्वेश्चन नंबर 486, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? उत्तर है AB। क्वेश्चन नंबर 487, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? उत्तर है 1920 में। क्वेश्चन नंबर 488, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? उत्तर है हॉकी में। क्वेश्चन नंबर 489, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? उत्तर है लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 490, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? उत्तर है गुरु नानक देव ने। क्वेश्चन नंबर 491, भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? उत्तर है 10 वर्षों में। क्वेश्चन नंबर 492, मेघदूत किसकी रचना है? उत्तर है कालिदास की। क्वेश्चन नंबर 493, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? उत्तर है क्लीमेंट एटली। क्वेश्चन नंबर 494, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? उत्तर है त्वचा को। क्वेश्चन नंबर 495, स्काउट एवं गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट बॉडेन पावेल ने। क्वेश्चन नंबर 496, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? उत्तर है प्रशांत महासागर।
क्वेश्चन नंबर 497, पेनाल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? उत्तर है फुटबॉल में। क्वेश्चन नंबर 498, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? उत्तर है क्रिकेट से। क्वेश्चन नंबर 499, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर है साहित्य से। 500 क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? उत्तर है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो ये थे दोस्तों 500 लूसेंट जीके का निचोड़ पूरा। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपको कल अपलोड कर दूंगा। यदि आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में। प्लीज़ इस वीडियो में लाइक है दोस्तों, 50,000 लाइक्स का, फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दें। और अपने सभी दोस्तों के साथ, जितने भी आपके मित्र यार दोस्त तैयारी कर रहे हैं, सभी के साथ व्हाट्सएप फेसबुक जितने भी ग्रुप है, इस वीडियो को पूरी तरह वायरल कर दीजिए। यदि आप लोग इस वीडियो कैसी लगी, आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा, इसलिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करके हमें बताएं। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन पर से, ताकि आपको इसी तरह की डेली वीडियोस मिलती रहे। दोस्तों साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक पेज ऑनलाइन एसडी पॉइंट्स को सर्च करके फॉलो कर लीजिए दोस्तों, लाइक कर लीजिए। वहाँ पर भी मैं आपको बहुत सारी अपडेट्स डेली अपडेट करता हूँ। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, लाइक शेयर जरूर करिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। प्लीज़ यदि आप चाहते हैं नेक्स्ट पार्ट आए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।